Welcome to Florett Commodities How to Do series. How to add stop loss and take profit in MT5 Android. Stop loss or take profit basically risk management के tools होते हैं जो कि risk को minimize और profit को optimize करने में use होते हैं. Trading में stop loss use होता है कि वो किसी भी investor की investment को एक खास limit से ज़्यादा नुकसान होने से बचाए. इसी तरह take profit का ये मतलब है कि किसी भी investor को अपनी investment पे अगर खास limit तक का या एक specific amount का profit हो रहा हो तो automatically उसका order उसने profit में close हो जाए. इसी तरह take profit का ये मतलब है कि जब भी किसी investor को अपनी investment पे एक specific amount का profit हो रहा हो तो उसका order automatically उतने profit में close हो जाए. किसी भी trade में stop loss या take profit लगाने के दो तरीकेकार हैं, एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले, दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद. पहला सिनेरियो, ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले अगर हम स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले न्यू ऑर्डर में आएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन दिस केस सिल्वर. न्यू ऑर्डर की विंडो पे आने के बाद हमारे सामने SL मीन्स स्टॉप लॉस और TP मीन्स टेक प्रॉफिट के ऑप्शन अपीयर होते हैं, जिसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट की. बाय सिनेरियो में स्टॉप लॉस हमेशा बाइंग प्राइस से नीचे रहता है और टेक प्रॉफिट बाइंग प्राइस से ऊपर रहता है. इन ऑपोजिट केस सेल सिनेरियो में स्टॉप लॉस सेलिंग प्राइस से ऊपर रहता है और टेक प्रॉफिट मींस TP सेलिंग प्राइस से नीचे रहता है. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे सिल्वर को बाय करना चाह रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस बाइंग प्राइस से नीचे रहेगा और टेक प्रॉफिट बाइंग प्राइस से ऊपर रहेगा. ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद हम ट्रेड के सेक्शन में आके अपने ऑर्डर को क्लिक करके एक्सपेंड करेंगे, जिसके ऊपर हमें स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट शो हो रहे होंगे. अब हम इस ऑर्डर को क्लोज कर देते हैं और देखते हैं कि सेकंड सिनेरियो में हम अपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को कैसे ऐड करेंगे अगर हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर चुके हों. इसके लिए हम वापस कोर्ट्स में आके सिल्वर को एज एन एग्जाम्पल यूज़ करेंगे और लास्ट टाइम हमने जैसे कि बाय किया था, इस बार हम सेल सिनेरियो को देखेंगे. सिल्वर को चूज़ करने के बाद हम न्यू ऑर्डर पर क्लिक करेंगे और इंस्टेंटली सेल कर देंगे. ऑर्डर प्लेस होने के बाद हम ट्रेड के सेक्शन में आएंगे और जैसे कि अभी हमने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट इसके अंदर इंसर्ट नहीं किए हैं तो अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से इसके अंदर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाते हैं. अपने लगाए हुए ऑर्डर पे होल्ड करेंगे और मॉडिफाई पोजीशन को मेन्यू में से चूज कर लेंगे, जिसके बाद हमारे सामने SL मीन्स स्टॉप लॉस एंड TP मीन्स टेक प्रॉफिट के ऑप्शन अपीयर हो जाएंगे. अब चूंकि हमने यहाँ पे सिल्वर को सेल किया है तो हमारा स्टॉप लॉस सेलिंग प्राइस से ऊपर रहेगा और टेक प्रॉफिट सेलिंग प्राइस से नीचे रहेगा. स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट की वैल्यूज डालने के बाद हम मॉडिफाई पोजीशन पे क्लिक कर लेंगे. ऑर्डर मॉडिफाई होने के बाद अगेन आप ट्रेड सेक्शन में अपने ऑर्डर को क्लिक करके देखेंगे, जो कि एक्सपेंड होने पे आपको SL और TP शो करेगा. तो यूं हम ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले और ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद अपने ऑर्डर में स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को इंक्लूड कर सकते हैं.